एम्स के सीबीओ संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। उनका कामकाज सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में ट्राइन सेक्रेटरी और सीबीओ को सौंपा गया है। खबर के अनुसार संजीव ने भ्रष्टाचार के कई मामलों पर मोर्चा खोल रखा था और उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा था, लेकिन अचानक हटाए जाने से संजीव काफी परेशान है। उन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी में जाने के लिए अर्जी दे दी है। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस ने उन दोनों लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की बात को खारिज कर दिया है, जिनके डेड बॉडी पेड़ से लटके हुए पाए गए थे। इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-1 से बुरी तरह से हारने के बाद टीम इंडिया सबके निशाने पर है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अब दौरे पर क्रिकेटर्स को गर्लफ्रेंड को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही बीवियों को लेकर भी बीसीसीआई सख्ती बरतने के मूड में है। नागालैंड से सटे असम के गोलाघाट जिले में हुए हिंसा के विरोध में असम पीपुल एसोसिएशन के साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज ने गुरुवार को सूबे में बंद का ऐलान किया है। हिंसा और तनाव के बीच सेंट्रल स्टेट होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने आज गोलाघाट जिले का दौरा किया। एक्टर आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म पीके का दूसरा पोस्टर जारी कर दिया है। पिछले दिनों न्यूड पोस्टर रिलीज कर खबरों की सुर्खियां बटोर चुके आमिर इस बार बिना ट्रांजिस्टर के दिख रहे हैं, लेकिन वह पूरे कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। बिहार असेंबली के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आवाम का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद होने लगा है। बिहार में सुबह 10 बजे तक 11.9% वोटिंग हुई है। अगले बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले आवाम का रुख किस ओर है, इसका भी पता चल जाएगा।